राजस्थान के दौसा जिले में महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या का मामला अब राजस्थान से बाहर भी उठने लगा है, जहां पर डॉक्टर अब इस मामले में महिला डॉक्टर के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और महिला डॉक्टर के साथ हुई इस घटना को लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी किया जा रहा है। पहले तो राजस्थान में महिला डॉक्टर को इंसाफ लेने को लेकर डॉक्टरों ने पूरी तरह से काम बंद कर दिया था, लेकिन अब राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स अस्पताल के डॉक्टर ने आज डॉक्टर अर्चना शर्मा को श्रद्धांजलि दी और कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। राजस्थान के दौसा जिले में एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी, इसको लेकर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था, जिसके आहत होकर महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या कर ली थी। इसको लेकर आज एम्स के आरडी डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हम उनसे जानेंगे क्या वजह थी, क्या था, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सैयद हूं, जनरल सेक्रेटरी हूं आरडी एम्स। आज यहां पर आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कल आपने सिम्बोलिक प्रोटेस्ट किया था। देखो, ऐसे घटनाएँ बहुत बार पहले हो चुकी है। हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर्स को ऐसे पीड़ित ना किया जाए। एक जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, जो पोस्टपार्टम हेमरेज है, वो उसके कारण एक पेशेंट की मृत्यु हो गई। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता। हमें पहले डे वन से जब हम MBBS ज्वाइन करते हैं, हमें ये सिखाया जाता है कि पेशेंट की जान बचाना सबसे पहला उसका धर्म होता है। जब किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद उसी किसी कारण से प्रेशर डाल के उसको इतना मेंटली टॉर्चर करना, और जो सबसे गंभीर कदम होता है उसको एक डॉक्टर उठाती है, जो अभी छोटे बच्चे हैं उसके, अभी नई शादी हुई है, उसके बाद भी वो इतना गंभीर स्टेप उठा के सुसाइड कर लेती है। ये हमारे सिस्टम का फेलियर को रिफ्लेक्ट करता है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर डॉक्टर यहाँ पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। यहाँ पर जो RDA के प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे जानूंगा। जसवंत जी, आज आप कैंडल मार्च, कल सिम्बोलिक प्रोटेस्ट किया था, क्या मांगे हैं आपकी? जी, हमारी यही मांगे हैं कि जो डॉक्टर अर्चना हैं, अभी जिनका सुसाइड हुआ है मजबूरन वश, ये उनको मजबूर किया गया है, और मैं कहूँगा कि मर्डर उन्होंने नहीं, उनका मर्डर हुआ है। हमारी डिमांड, एक जो इमीडिएट डिमांड है, वो ये है कि उनको न्याय मिले। जो भी दोषी हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, वो अरेस्ट हों। जो भी नेता जिन्होंने इसको पॉलिटिसाइज करने का कोशिश किया है, उनके अगेंस्ट दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो, और एक मैसेज जाए कि बाकी लोग ऐसी गंदी राजनीति खेलने की कोशिश ना करें। जो राजस्थान में इंसिडेंट हुआ, वी द SU रियली कंडेम आउट दिस सिचुएशन। ये जो हुआ, ये किसी एक डॉक्टर अर्चना या किसी एक हॉस्पिटल की बात नहीं है। दिस इज़ द इशू फॉर द होल नेशन। हम एक बडिंग डॉक्टर हैं देश के, आई एम इन सिक्स सेमेस्टर। तो गवर्नमेंट शुड लुक इन टू दिस मैटर, क्योंकि कल को अगर ऐसा होगा तो कोई MBBS में आने से डरेगा, इस नोबल प्रोफेशन में आने से डरेगा, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन इतने अच्छे नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर गवर्नमेंट अच्छे से देखे और इसको आगे तक लिया जाए। देखिए, यहाँ पर एम्स RDA के डॉक्टर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च लगा रहे हैं। इनकी साफ मांग है, जो साल 2019 में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू किया था होम मिनिस्ट्री ने, वह अभी तक लागू नहीं है। जो एक्ट तो बन गया, लेकिन उसे लागू करना चाहिए। लेकिन जब तक ये एक्ट लागू नहीं होगा, तब तक इस तरीके की वारदात डॉक्टरों के साथ होती रहेंगी। इसलिए हम ये मांग करते हैं, जो अर्चना है उनको इंसाफ मिले, और जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है उसे भी सरकार जल्द लागू करे। दिल्ली से निखिल कुमार, जनतंत्र TV। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।